हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। देखिए, गोल्डन कलर में मैन फैब्रिक है, ग्रीन मैंने डिज़ाइन के लिए कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो हम अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और जितनी भी लेंथ हमें तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर हमें ले लेना है। टोटल लेंथ रखी है मैंने 14.5 इंच, 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी है लेंथ। शोल्डर रखने हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग, 34 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो शोल्डर लिए हैं मैंने 5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। देखिए, इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का, मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और 1/2 इंच हमें डीप नेक में इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना होता है। और ये जो बाहर वाली लाइन है वहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट के प्रिट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है और इसमें मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो नेक में आपको पेपर पेस्टिंग पर भी बताऊँगी। मैंने नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, नेक की लेंथ रखी है 9.5 इंच। नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे से नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और यहाँ पर इस तरीके से हमें 5 शेप ड्रॉ कर लेना है। ये शेप मैंने बना लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेंगे, कट करके ऊपर से सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये डबल फोल्ड है, इसकी फोल्ड वाली साइड से हमें गले की चौड़ाई नाप लेनी है। तो नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, नेक की लेंथ लेनी है 9.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ से नेक की विड्थ रखनी है हमें 3 इंच। स्क्वायर में एक बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ पर ये शेप हमें बना लेना है इस तरीके से। शेप मैंने बना लिया है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है। ऊपर से 1/2 इंच जो है नेक की विड्थ का छोड़ते हुए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। साइड से भी 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। और ये हमने अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर हमें इसे रख लेना है इस तरीके से और बराबर से कपड़ा कट कर लेना है। बीच में मैंने जॉइंट लगा दिया है। अब हम नेक को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे अटैच करना है। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएँ ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे बैक पार्ट को अटैच कर लेना है अस्तर के साथ। अब हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। मेन फैब्रिक आप हमेशा साइड से थोड़ा बढ़ा कर ही कट करें ताकि इसे जोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसे कट कर लेना है। अब हम डबल फोल्ड करके इसे सेंटर मार्क करेंगे। ऊपर और नीचे की तरफ मैंने एक छोटा कट लगा दिया है, उसके बाद हमने इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर अच्छे से इसे बराबर कर लेना है पेपर पेस्टिंग को। और आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका कर लगा सकते हैं। मैंने इसे एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कट कर देंगे और इस तरीके से कट लगाने से हमारा जो साइड से कपड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, साइड से नेक को फोल्ड कर लेना है। अब हमें डबल फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग का करना है सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग का सेंटर मार्किंग कर लेंगे ऊपर तक। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। रफ स्टिच भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पिन से भी नेक को अटैच कर सकते हैं। तो नीचे से सेंटर मार्किंग और ऊपर से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए हमें पिन लगा लेनी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे अटैच करना है।
बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए एक सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए हमने पूरे ही नेक पर एक सिलाई लगा ली है कॉर्नर की, और बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए इतना ही कपड़ा रखना है और पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से हमारा नेक बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। और एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को, जो हमारी नेक की पट्टी है, वो इस तरफ करके लगाएंगे। मार्जिन भी हमारा इसी तरफ होना चाहिए। और अब हम एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। नेक हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसमें डाल लेंगे यहाँ पर प्लेट्स। यहाँ पर हमें प्लेट्स लगा लेनी है और नीचे की तरफ हम लगा लेंगे ये पाइपिंग। तो मैंने जिस कलर का डिज़ाइन मैं यहाँ पर फ्रिल का बनाऊंगी, उसी कलर की मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है। सीधी पट्टी कट की है और हमने यहाँ पर इसे एक आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच किया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है और यहाँ पर जितनी मोटी या पतली पाइपिंग आप निकालना चाहें उतनी रखते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो ये पाइपिंग हमारी यहाँ पर लग चुकी है। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब साइड में हमें डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल का जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच, और इसे हम सिलाई लगाकर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। पहले तो ये जो पट्टी मैंने ली है उसकी जो लंबाई है वो 1.25 इंच है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स आपकी एक जैसी ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ प्लेट्स बड़ी हों और कुछ प्लेट्स छोटी हों। प्लेट्स बिल्कुल आपकी एक जैसी ही बननी चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। तो पूरी ही पट्टी पर हमें ये फ्रिल डालकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब देखिए मैं यहाँ पर इसी सेम कलर में ये लेस लगा रही हूँ। तो जो कंगूरे वाला पार्ट है लेस का, वो हमें फ्रिल की तरफ करते हुए लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली लेस दी है, आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। और ये हमारी एक तरफ, एक साइड में फ्रिल इस तरीके से आएगी, ये देखिए। और एक तरफ हम लगाएंगे लेस। नेक के एक तरफ हमने इस तरीके से यहाँ पर लेस लगा लेनी है। तो लेस की हम यहाँ पर 2 लेयर लगाएंगे। एक लेयर मैंने लगा दी है और एक लेयर हम और लगाएंगे। तो इसी के पास से हम एक लेयर और लगाना शुरू करेंगे, देखिए इस तरीके से। ये मैंने लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और जो फ्रिल हमने रेडी की है वो हम इस तरफ लगा लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक के बिल्कुल पास से इसे हमें अटैच करना है इस तरीके से। बिल्कुल जो नेक का शेप बनाया हुआ है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। बाकी फ्रिल हमें कट कर देनी है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बची हुई फ्रिल को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और शेप देते हुए हमें ये सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है, नीचे की तरफ पक्का कर लेना है। एक सिलाई और हम लेस को दबाते हुए लगा लेंगे इस तरीके से। और इसी के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।